नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, यानी कि BCG स्टॉक के बारे में। आज BCG स्टॉक में जिस तरह का पैनिक कंडीशन क्रिएट हो चुका है और उस हिसाब से आने वाला नेक्स्ट वीक ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी की फ्यूचर तय करने वाला है। आने वाले नेक्स्ट वीक में यानी कि कल से दोस्तों इस कंपनी का फ्यूचर तय होने वाला है। ऐसे में एक एक कदम सभी इन्वेस्टर को फूक फूक कर भरना चाहिए। और अभी तक दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में हमारी टीम की तरफ से पूरी कोशिश की गई है आप तक सभी इंफॉर्मेशन देने की, और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप की बिजनेस स्ट्रक्चर की पूरी कहानी। ब्राइटकॉम ग्रुप के पास कितनी कंपनी की ओनरशिप है और कहां से इस कंपनी का रेवेन्यू आता है, ये बात आप सभी इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। लेकिन जिन फ्रेंड्स को बिजनेस स्ट्रक्चर का पता नहीं है उनके लिए ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद कल क्या होने वाला है और कल हमें कितने बजे कौन सी बात पे निगाह नज़र रखनी है उसके बारे में डिस्कस करने वाले है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो की इन्फॉर्मेशन दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अच्छे लगे तो ही लाइक करना और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में ऐसी लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलती रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप की इंडिया में कौन कौन सी दो ओनरशिप है, तो वो आप स्क्रीन में देख सकते हो दोस्तों। इंडिया में बात करें तो ब्राइटकॉम ग्रुप की वाई रिच मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और LIL प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की दो ओनरशिप है, वो भी 100%। तो इंडिया की बात हो गई, अब बात करते हैं USA, क्योंकि इस कंपनी की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू USA से ही आती है। USA और इसराइल इस कंपनी का दो बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो USA की बात करें तो फ्रंटायर डाटा मैनेजमेंट नाम की 100% की ओनरशिप दोस्तों इस कंपनी के पास है। दूसरी ब्रांच है USA में इंटरनेशनल एक्सप्रेशन नाम की जो कंपनी है उसकी 100% ओनरशिप इस कंपनी के पास है। अब बात करते हैं USA में तीसरे नंबर की कंपनी वाइब्रेंट मीडिया एक्विजिशन नाम की जो कंपनी है उसकी 100% ओनरशिप ब्राइटकॉम ग्रुप के पास है। और USA की चौथी DYOMO कॉरपोरेशन जो कंपनी है उसकी 100% ओनरशिप इसी कंपनी के पास है। USA की बात हो चुकी, इंडिया की बात हो चुकी, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में मैक्स इंटरेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसकी 100% ओनरशिप इसके पास है। और बात करते हैं अब इसराइल की, तो इसराइल में दोस्तों सबसे बड़ी IT सेक्टर की सॉल्यूशन की जो कंपनी है ऑनलाइन मीडिया सॉल्यूशन लिमिटेड की 100% ओनरशिप इस कंपनी के पास है। तो बात हुई ऑस्ट्रेलिया, इसराइल, USA और इंडिया। अब बात करते हैं ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील में दोस्तों आप स्क्रीन में देख सकते हो वाइब्रेंट डिजिटल सर्विस नाम की जो कंपनी है उसकी 100% ओनरशिप इस कंपनी के पास है। अब हुई बात UAE की, तो वहाँ LGS ग्लोबल नाम की जो कंपनी है उसकी 100% ओनरशिप ब्राइटकॉम ग्रुप के पास है। अब यहाँ एक सबसे बड़ी ड्रीम एड ग्रुप ऑफ कंपनी जो एड का काम करती है उसकी दोस्तों 90% ओनरशिप ब्राइटकॉम ग्रुप के पास है। उस हिसाब से इस ड्रीम एड ग्रुप ऑफ कंपनी की चार बड़े सिटी में अपनी ब्रांचेस है, तो वो है पहली अर्जेंटीना में, दूसरी चाइल में, तीसरी पनामा में और चौथी दोस्तों मैक्सिको में है। और लास्ट में वाइब्रेंट डिजिटल सर्विस की एक और ब्रांच साओ पाओलो में भी है, उसकी 100% ओनरशिप ब्राइटकॉम ग्रुप के पास है। तो यदि इसी बिजनेस स्ट्रक्चर को देखते हुए हम बताना चाहते हैं आपको कि ब्राइटकॉम ग्रुप वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस करती है और अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करने में अभी तक सफल हुई है। तो दोस्तों आज जिस तरह का मार्केट में पैनिक कंडीशन है उस हिसाब से इसका बिजनेस स्ट्रक्चर में हमें कोई
नेगेटिव बात नहीं दिख रही, क्योंकि सबसे बड़ा बिजनेस यूएसए से है, वहाँ अच्छा कारोबार कर रही है, और इसराइल में, और आगे इंडिया में भी उसका कारोबार बढ़ने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद गूगल और माइक्रोसॉफ्ट उसका दोस्तों बिजनेस पार्टनर के रूप में काम करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं। तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी के साथ काम करने वाली कंपनी का फ्यूचर ब्राइट ही होना है। तो आज जिस तरह की पैनिक कंडीशन में है उसमें क्या करना चाहिए वो आप अपनी स्टडी के मुताबिक कीजिए, लेकिन दोस्तों हमें जो कुछ अभी तक दिख रहा है कल से मंडे पे गेम चेंज हो सकता है, या आने वाले इसी वीक में बड़ा गेम चेंज होगा ब्राइटकॉम ग्रुप में, क्योंकि ये बड़ी इन्वेस्टर की चाल ही है। यदि सेबी के रिपोर्ट में कुछ गलत बात पाई जाती है तब जाके कुछ नया सोचने की ज़रूरत रहेगी, कुछ नया डिसीजन लेने की ज़रूरत रहेगी, लेकिन अभी कंपनी सही तरह से आगे बढ़ रही है और कंपनी अभी गलत साबित नहीं हुई। उस हिसाब से बोनस की एक्स डेट आने तक हमें वेट करना चाहिए, और नई एक्स डेट आने के बाद, नई प्राइस सेटलमेंट के बाद किस तरह का मूवमेंट होना है उस हिसाब से हमें अपना डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आपका एक कदम आपको लॉस में ले जा सकता है और आपका एक सही कदम आपको प्रॉफिट में ले जा सकता है। ऐसे में करें तो क्या करें। तो दोस्तों अपनी होल्डिंग्स को जारी रखें, क्योंकि हमारे पास जो ब्राइटकॉम ग्रुप के 150 स्टॉक है वो हम अपनी होल्डिंग्स पे ही रखना चाहते हैं, और यदि मार्केट में कुछ पॉजिटिव बात आई तो हम हमारी होल्डिंग्स 500 तक ले जाने की सोच रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि उससे हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी राय हम तक पहुँचने में हम सफल होंगे। ऐसे में दोस्तों वीडियो की इन्फॉर्मेशन आज अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।